नमस्ते बच्चों, मैंने आपको पाठ 14 धोखेबाज सारस के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। आज हम उसका प्रश्न 3, 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए प्रश्न 3 में रिक्त स्थानों में शब्द भरिए। ठीक है, इसमें देखिए केकड़े ने हंस कर, ठीक है, केकड़े ने हंस कर कहा, काका तो नहीं आए पर हाँ उनकी खोपड़ी अवश्य लाया हूँ। ठीक है, उसने मछलियों को सारस का सिर दिखाकर उनको बताया कि वह किस तरह उनको धोखा दे रहा था। ठीक है बच्चों, धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर क्या हुई, मछलियाँ बहुत प्रसन्न हुई और केकड़े की बुद्धिमता को सराहने लगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उसका एक पहरा दिया होता है इसमें आपके चैप्टर में, यहाँ पे अभ्यास कार्य में उसको जो शब्द नहीं होते हैं, मिस होते हैं, उसमें आपको भरने होते हैं। ठीक है बच्चे, अब प्रश्न 4 देखो। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, इसमें देखिए क सारस मछलियां नहीं खाता था, क्या वो मछलियां नहीं खाता था, नहीं वह मछलियां खाता था, तो इसमें क्या आएगा, गलत। ख तालाब में मिट्टी भरने वाली बात सही थी, नहीं वह तो धोखा दे रहा था, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा, गलत। ग मछलियों को चोंच में दबाकर सारस उड़ा, सही, जो मछलियां थी उनको अपने चोंच में दबाकर वह उड़ जाता था और वह कहाँ ले जाता था, एक चट्टान पर ले जाता था। घ सारस मछलियों को चट्टान पर ले जाता था, ये भी सही है, वह मछलियों को कहाँ ले जाता था, चट्टान पर ले जाता था। ड सारस ने सारस से छुटकारा पाकर मछलियां खुश हुई, हाँ सही है, ठीक है ना, जब सारस केकड़े ने सारस को जब मारा तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न 5, किसने किससे कहा, किसने किससे बात कही। क कहो काका आज गुमसुम क्यों खड़े हो, किसने कहा था, मछलियों ने सारस से कहा। ठीक है, ख क्यों काका मछलियां क्यों मर जाएंगी, क्यों मर जाएंगी, किसने कहा था, केकड़े ने सारस से कहा। ठीक है, ग पास ही बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, किसने कहा, सारस ने मछलियों से कहा। घ काका यहाँ तो पानी नहीं है, किसने कहा, केकड़े ने सारस से कहा। ड नीचे जो चट्टान देखते हो आपको भी वहीं ले जा रहा हूँ, किसने कहा, सारस ने केकड़े से कहा। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न 6। प्रश्न 6 में सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न दिए हुए हैं उसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसमें आपको सर्कल बनाना है। ठीक है ना, प्रश्न का मैं देखो, मछलियाँ किसकी बुद्धिमत्ता को सराहने लगी, केकड़े की, सारस की या खरगोश की। ठीक है, किसकी सराहने लगी, केकड़े की बुद्धिमत्ता से, क्योंकि केकड़े की वजह से ही मछलियाँ जो बाकी थी वह बच पाई थी। ठीक है, और केकड़े ने ही सारस को मारा था। ख सारस को किसने मारा, मछलियों ने, मछुआरों ने या केकड़े ने, मैंने अभी आपको बताया किसने मारा, केकड़े ने मारा था। ग तालाब किससे भरा जाएगा, जो सारस था किससे बताया था तालाब भरा जाएगा, पानी से, दूध से या मिट्टी से, तो किससे भरा जाएगा, मिट्टी से। घ मछलियां खाकर सारस को क्या आ गई, गुस्सा आ गया, हंसी आ गई या नींद आ गई, तो क्या आएगा इसमें, नींद आ गई थी। ड आपस में कौन झगड़ा करने लगी, सहेलियां, मछलियां या शेर सिंह, कि मुझे पहले ले जाओ, मुझे पहले ले जाओ, तो कौन लड़ाई करने लगी थी, झगड़ा, मछलियां। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको
सर्कल लगाना है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न 3, 4, 5 और 6 है आपको अपनी किताब में ही करना है। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।